रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बताते हुए निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर कोई लहर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखें। तो वहीं अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद ने यहां तक कह डाला कि जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है, यहां पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर तरह तरह से निशाना साध रहा है। वहीं बीजेपी नेता भी राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। जो राजनीतिक दल भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे, राम सेतु पर प्रशंसन खड़ा करते थे, फिर वापस बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते थे, ऐसे कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को भी राम जी की शरण में आना ही पड़ा। देश में इस वक्त राममय माहौल है। सवाल उठता है कि ऐसे में विपक्ष का राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स करना कितना सही है। सवाल ये भी है कि क्या ये विपक्ष का चुनावी एजेंडा है।